हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। अभी बात करेंगे, एक ना टीजर जो है आउट हुआ है जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें हमको दिखने वाले हैं टाइगर श्रॉफ और उनके साथ ना अक्षय कुमार सर। अभी बात करेंगे कैसा है टीजर। टीजर की जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग ही होती है शरद कालेकर सर की एक सॉलिड आवाज़ के साथ, और जो अपना बैकग्राउंड में जो विलेन का जो करेक्टर प्ले करने वाले आई थिंक पृथ्वीराज सुकुमारन सर, हालांकि उनका जो फेस है वो रिवील नहीं हुआ है, वो एक मुखौटे के पीछे था, लेकिन जो दमदार और धांसू डायलॉग के साथ टीजर स्टार्ट होता है और स्टार्ट होते 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 जब ख़त्म होता है, इतने में ना आपको लिटरली बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा मतलब इम्प्रेसिव और गूस बम्प्स वाला जो सीन है वो कहीं ना कहीं आ जाता है उनके ना डायलॉग डिलीवरी सुनने के बाद। अगर अभी यहाँ पर बात बात करें हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ के ट्रेलर की या फिर टीजर की, टीजर की बात करें तो टीजर काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव है, एक्शन सिक्वेंसेज जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ऐसी कुछ उम्मीद नहीं थी कि मतलब ऐसा हो सकता है ये टीजर या ट्रेलर। सच बोलूँ तो मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इतना अच्छा जो टीजर है इसका हो सकता है। टीजर जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है। अगर इसके बाद में अगर अक्षय कुमार के लुक की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें कुछ ओवरफ्लो एक्शन सिक्वेंसेज के बारे में तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। सबसे अच्छी बात मेरे को इसमें ये लगी कि जो टाइगर श्रॉफ का ये लोग यूज़ करते हैं एक तरीके से मंकी मैन कह लो या फिर एक उछल कूद वाला जो इंसान है, वैसे इन्होंने यूज़ किया आज तक जो मोस्टली किया है, लेकिन इसमें जो इन्होंने दिखाया वो इन्होंने वो दिखाया जो कि ऑडियंस को चाहिए। अब जो फाइनली जब ट्रेलर आउट होगा उसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे और थोड़ा और ज़्यादा गहराई से हम लोगों को पता लगेगा, लेकिन अभी अगर मैं टीजर की बात करूँ एक लाइन में बोलूँ तो तोड़ू फोड़ू दमदार। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।